Thank you.
अच्छी करेगी। ये जुटाने में हुआ, इससे पहले तो न हुआ। मस्जिद में तो बहुत कुछ कहा, हम तो थोड़ा सा कहते हैं। शहर मस्जिद में तो साल गिन के बता दिए, साल सुल्तान बाहू ने इस साल के लोगों के सीने मुनवर किए, 300 साल हो गए अल्लाह के घर में, कोई इसमें साथ देने वाला ना आया तो कहा 300 साल से ही इनके मैखाने हैं। ईमान खो के आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि तीन मुल्क
से बचने के लिए तुमने सोचा है वो गधे में बैठ क्या होगा, तुम पहचान लोगे, तुम में सब कुछ खुद है तो तुम पहचानो। जिसके लिए नबी ने कहा उठाओ मशकोरा शरीर की जिल्द से सफा नंबर 49 रसूलुल्लाह ने कहा मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे औलाद जिनके सरों पे हरी चादर पड़ी होगी वो दज्जाल की पैरवी कर देंगे। अंदाजा करो हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे शायद जिनके सरों पे हरी चादरें पड़ी होंगी दज्जाल की पैरवी कर देंगे। हम बताओ हरी चादर कौन डालेगा, दुनियादार काउंसलर नहीं, कोई दीनदार होगा भाई, सरों पे चादरें हो जाती है दीनदार होती है। रसूलुल्लाह ने कहा 1,000 ऐसे अपराध है, जकूरियत मकसद दीन है,
शकूरियत असली रूहानियत है। और अगर तुम समझो कि मैं कह रहा हूं तो हमारे उठाओ शहनशाह शरीयत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अहमद अपनी मकतूबात में लिखते हैं, जब मैं नवाफिल पढ़ता एक एक हजार रकात पढ़ता, जब मैं तस्बीहात पढ़ता सारी रात पढ़ता, जब कुरान पढ़ने बैठता खत्म कुरान से पहले मैं उठता, दीगर नवाफिल भी बेशुमार की, शुक्रियत भी अपनाई। फिर कहते हैं कसम उस्ताद की जिसके कब्जे में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जान है, जो फहर जो कमाल जो मरतबा जो नूर मुझे इसमें जात के जिक्र से मिला किसी और से न मिल सका। तुम उसको मामूली का दर्द हो, तुम उसको हकीम समझते हो, जो असल है उसको तुमने नकल बना दिया। हाँ सिर्फ इसलिए कि तुम उनमें से हो, जब तुमसे कहा गया कि पानी में बिजली है तो तुमने कहा कि हो ही नहीं सकता, अगर बिजली है तो मछली और मेढक मर जाए, लेकिन जब अंग्रेज आया उसने पानी से बिजली पैदा की तो तुमने कहा हाँ ये हो सकता है, समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है। आपको आप मकानों पे लिखते हो ना मोहम्मद बगर मोहम्मद सैद
सलमान मलक साहब भट्ट साहब चौधरी साहब क्यों इसलिए लिखते हो लोगों को पता चल जाए ये मकान फला का है ढूंढना ना पड़े परेशानी ना हो और ये भी पता चल जाए कि भाई इसका वारिस है लावारिस नहीं है तो ठंडे शुद्धे पड़ जाएंगे पेंट पेंट हो जाएगा वारिस है इसमें कदम गैजर थे वो आए जो पहल हो ठीक है ना और जो लावारिस मकान है वो लावारिस विराट है चर्ची भी घुस जाएगा विरोची भी घुस जाएगा चौकी भी घुस जाएगा सत्यवाद भी घुस जाएगा दुनियादार भी दो साल लालच में घुस जाएंगे एक हजार मालिक बन के दावा करेंगे ये मेरा है वो कहेगा ये मेरा है चका भी हो सकता है खून भी हो सकता है गरीब भी हो सकती है नफा भी हो सकता है क्यों इसलिए सोचता बारिश में छोटे से मकान को विरासत बनाने वाले अल्लाह ने कहा कल मैं मरूं रसूलुल्लाह कल मैं मरूं रसूलुल्लाह इतना अजीम घर तुम लोग छोड़े हुए हो इस पर तुमने कभी अल्लाह के नाम लिखने की जो सजू रखी अल्लाह के नाम लिखने की अल्लाह को ना की यही होता है इन दिनों में कभी लड़की घुस जाती है कभी लड़का घुस जाता है कभी दौलत घुस जाती है कभी इकतदार घुस जाता है सिर्फ इस दिन में इस पर अल्लाह का नाम लिखा नहीं है इसके मालिक का नाम लिखा नहीं है हर चीज में प्लेट कासिम लिखता है और इस में प्लेट पे वली लिखता है वो प्लेट जो रब ने लिखा हो उसको वही लिखेगा जिसको रब ने इख्तियार दिया होगा सब तो कहा भाई वली की अल्लाह करीम आसान करीम रखो कीजिए कि तुम उसके पास चले जाओ उससे कहो हुजूर आप अगर हुजूर के बारे में नहीं है مخاصمت نہ کرو اور وہ حضرات جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں ہم ان سے دستبردار کرتے ہیں اگر ہمیں کسی مسجد سے نکال بھی دیں نو پرابلم لیکن ان کے لیے پرابلم ہے ہمارے لیے اس لیے پرابلم نہیں کہ ہم گھر کے ساتھ ہیں تم یہاں سے نکالیں گے گھر میں کر لیں گے گھر سے نکالیں گے باہر کر لیں گے ابا نے مارا کسی اور چاچے کے گھر کر لیں گے چاچا نہ نکال دے کسی اور گھر کر لیں گے لیکن جو نکالے گا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا اس لیے کہ جہاں تیرے لیے نہیں اللہ نے بنایا ہے اپنے خون کے تمام راستے رحمت کا مسکن کرا دیے ہیں اگر رحمتوں کی جگہ رحمت والا جگر تم بند کرو گے تو رب نے سورہ بقرہ میں کہا اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم نہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے بڑا کر دے کرتا ہے اگر جماعت ہو رہی ہو تو اللہ کی محفل سجائے تو اس کو منع کر دو اس لیے کہ جماعت میں ہونا فرض ہے لیکن جماعت میں ہونا ختم ہو جائے تو کسی ایک شخص کی نماز کے لیے ذکر کی سوائے عبادت کو بند نہیں کیا جائے گا خانہ کعبہ میں طواف ہر وقت ہوتا ہے کسی ایک شخص کی نماز کی وجہ سے بند نہیں ہوتا ہاں بند ہوتا ہے اس جماعت میں ہونا کے لیے Yeah.
को करने दो, फिकर की माफियों को फरोख दो, अंजुमन सोशल स्टार का साथ दो। हमको मिला समय की नहीं है जो सवाब पर सवाब लेने के लिए तुम्हारे पास आए। हमको कहते हैं अल्लाह, अगर सवाब की लालच में आए तो हमें सवाब मत देना। हम सवाब के लिए नहीं रहते, तेरे महबूब के लिए आए। अंजुमन सरफरोशन इस्लाम कराची डिवीजन के अमीर सईद सिद्दीकी कार के हादसे में जहां भाग। अंजुमन सरफरोशन इस्लाम कराची डिवीजन के अमीर मोहम्मद सईद सिद्दीकी एक कार के हादसे में जहां भाग हो गए। वो 11 अप्रैल 1996 को मोची दरवाज़ा लाहौर में होने वाली इसमें आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पंजाब रवाना हुए थे कि मियाँ वाली के मकाम पर उनकी कार को हादसा पेश आ गया। मोहम्मद सईद सिद्दीकी मौके पर ही जहां भाग हो गए, जबकि दीगर साथी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मियाँ वाली अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मोहम्मद सईद सिद्दीकी की मैयत उनकी रिहाइशगाह गुलशन इकबाल R348 Block 4A सहाफ़ी कॉलोनी से बुध की सुबह उठाई जाएगी। ये खबर है आज 9 अप्रैल 1996 की। हमारा प्यारा भाई मोहम्मद सईद सिद्दीकी हमसे रुख्सत हुआ। खोला जाए इसमें खून जो है साफ नहीं। हाँ ले रहे हूँ आज़म कॉन्फ्रेंस के फ्लैट और ये खून जमा दे रहे हैं। काँच भी है इसके अंदर, चेहरे पे भी वही जमा। इसमें आज़म कॉन्फ्रेंस के स्टिकर भी रखे हैं, सरकार की तस्वीर भी रखी हुई है। लाओ ले जाओ, गुलाब को ले जाओ।
اور شاہی مدد اللہ علیہ کے پروانے سید احمد صدیقی جو کہ 9 نومبر 1996 کو میاں والی کے قریب سرکار کے قریب گاؤں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شہید ہوئے, ان کے نماز جنازہ کے لیے کراچی سے یہ بسوں کا قافلہ یہاں پہنچ چکا ہے. یہ مرکز روحانی حضرت سید احمد گور شاہی کی کوٹ شریف کی بڑی درسگاہ ہے. آمد کامل سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علیہ کے اس غلام کو ہر دل عزیز ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. ہر آنکھ نم ہے, چاہے وہ کسی خطے کسی علاقے کے ساتھی ہوں,
हर एक अपनी मोहब्बतों का इजहार आंखों में आंसू लिए कर रहा है।
نام لڑکی لے کر نام والا ہم ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم کو بخشش کی آخر کی مزے آسان قبر سے بتایا تھوڑا سا آپ لوگ لین بنا لیں لائن بنا لیں تاکہ آتے جائیں گزرتے مہربانی کر کے لائن بنا بھائی آرام سے سب کو دکھائیں گے Yeah.
शहीद भाई के जो भी फैमिली शहीद भाई के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि अभी आ रहे हैं और शहीद का विचार कर लें। यहाँ ला दे यार रखो यार आराम से थोड़ा और इधर आ जाइए इस तरफ जो कि तकलीफ तंगी पहुंचाई हो हमें माफ कर दीजिए। बेटा जी नहीं भरेगा अम्मा हम नहीं अब बोल दो माफ कर दो बोलो ले जाओ बोल शाही का हवाले कर दो इसको कर दिया आपने बस अम्मा जी बंद करो भाई माफ कर देना बेटा। देखो जिस कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई है इससे तो मैं माफी मांग रहा हूँ। अनीसा खाला का अनीसा खाला अनीसा खाला की तमाम खातिन चल आ रही है। सही से खाला अम्मा आपने मुर्शिद के हवाले कर दिया बस आप बिल्कुल हशियार बचा
बेशक पुरातन कार Man.